दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 20 अगस्त 2020। इसके पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरओ 2016 के लिए क्रैश कोर्स अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे शुरू कर रहा हूं स्पेशल क्लासेस, तो आप लोग वहां पे ये क्लासेस ले सकते हैं। टाइमिंग मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा, ठीक है? आज या कल जब भी शुरू होगा तो उसके पहले मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। आप लोग जय हो स्टडी जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, कॉमन ग्रुप है, वहाँ पर बने रहें, वहीं पर मैं शेयर कर दूंगा लिंक को। चलिए शुरू करते हैं। 20 अगस्त को कोई ऐसा दिन नहीं था जिसका मैं जिक्र करूँ आपकी परीक्षा के लिए। अशोक लवासा से शुरू करते हैं, चर्चा में आया क्योंकि चुनाव आयोग पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयोग, आपको पता है, निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष दो सदस्य रहते हैं। जो अध्यक्ष अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है, उनका नाम वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा साहब हैं, ठीक है? सुनील अरोड़ा साहब हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये इनका जो है, इतने वर्ष तक या 6 वर्ष पहले हो जाए उनका कंप्लीट या 65 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए, इतना इनका कार्यकाल होता है, ठीक है? तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं। ये चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा क्यों दिया इन्होंने? क्योंकि जुलाई 2020 में इनको एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। इस पदभार को संभालने के लिए इन्होंने चुनाव आयोग पद से इस्तीफा दे दिया। आईआईटी खड़गपुर क्यों चर्चा में आया? क्योंकि आईआईटी खड़गपुर के परिसर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि किस आईआईटी के परिसर में लोक कला अकादमी की शुरुआत की गई है? तो आईआईटी खड़गपुर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी न्यूज़ है कि आपको पता बता दें कि उत्तर प्रदेश ने 2017 में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति घोषित की थी, लेकिन वो केवल नोएडा के लिए, ग्रेटर नोएडा के लिए और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े जो क्षेत्र थे वहीं के लिए ये शुरू की गई थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 घोषित हुई है, जो पूरे राज्य में विस्तारित कर दी गई है। इसका उद्देश्य, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, दो उद्देश्य हैं। पहला है अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना। दूसरा लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना। तो ये दो लक्ष्य हैं महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। इब्राहिम बाउबकर कीता, ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि माली के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने सैन्य तख्ता पलट के कारण वहाँ के जो विद्रोही सैनिक हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। इसके पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये पूछा जा सकता है, माली एक अफ्रीकी देश है, माली, इब्राहिम बाउबकर कीता उसके राष्ट्रपति थे, तो सैन्य तख्ता पलट के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये आपको माली दिख रहा होगा, पश्चिमी अफ्रीका में लैंड लॉक कंट्री है, इसलिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माली जो है लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है? बमैको इसकी राजधानी है। तो इसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही हिरासत में ले लिए गए हैं, तो इसीलिए चर्चा में आया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों हिरासत में ले लिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति और वेगा, शक्ति और वेगा ये क्या है? दोनों माइक्रो प्रोसेसर हैं, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित। इसको विकसित किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है? और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको सीडैक भी बोलते हैं, इन दोनों ने मिलकर विकसित किया है ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर। ARIIA, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ठीक है? तो ये जो है दूसरी बार 2020 में रैंकिंग इस बार की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पहली भी शिक्षा मंत्रालय, जो इसका नाम HRD मंत्रालय था, उसके द्वारा की गई थी 2019 में, उसमें भी IIT मद्रास टॉप में था। इस बार भी रैंकिंग में IIT मद्रास ही टॉप पर है, लगातार दूसरी बार शीर्ष पे है, ध्यान रखिएगा। ड्रीम इलेवन, थोड़ा सा दोस्तों जल्दबाजी में आज बता रहा हूँ और जल्दबाजी में लिखा भी है, कार में हूँ तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। ड्रीम इलेवन काल्पनिक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, ये IPL 2020 का प्रायोजक बना है, शीर्षक IPL 2020 का ये प्रायोजक बन गया है। पहले वीवो था चाइना का, लेकिन आपको पता ही है कि वीवो को हटा दिया गया इससे, तो अब ड्रीम इलेवन को ये मिला है, ध्यान रखिएगा। UAE में होने वाला है IPL 2020। उत्तर प्रदेश संपत्ति शक्ति दावा प्राधिकरण को मंजूरी दे दी गई है। कहाँ कहाँ पर? मेरठ और लखनऊ में ये दावा प्राधिकरण ओपन होगा, गठन होगा इसका। दोनों जिलों का नाम याद रखिएगा, मेरठ और लखनऊ, ठीक है? उत्तर प्रदेश संपत्ति क्षति दावा प्राधिकरण को मंजूरी, मेरठ और लखनऊ में खोले जाएंगे। आयु रक्षा क्या है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
और दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है, जो पुलिस कर्मी हैं उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक इनको मेडिसिन दी जाएगी, इसके लिए ये कोलेबरेशन है, इसका नाम है आयु रक्षा। लगभग 80,000 से अधिक जो सिपाही हैं वो या पुलिसकर्मी हैं इससे लाभान्वित होंगे। मैसूरु चिड़ियाघर क्यों चर्चा में आया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के एन वान डाइक चीता केंद्र, ये नाम याद रखिएगा, एन वान डाइक चीता केंद्र, ये कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का। यहाँ से 3 चीते मैसूरु चिड़ियाघर में लाए गए हैं, ठीक है। चीता की बात अगर करें तो 1952 से ही भारत से ये विलुप्त घोषित किए जा चुके हैं चीते, ठीक है। और एशियाई चीते जो है संकटग्रस्त, जो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जो जीव हैं उनकी श्रेणी में इसको रखा गया है, ठीक है। निंजा ये किस अभियान के तहत लाए जा रहे हैं आपको पता है, प्रोजेक्ट चीता के तहत, ठीक है। निंजा यूएई ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली है, निंजा यूएई जो कि भारतीय रेलवे तैनात करेगा, ठीक है। ये मानव रहित होगा लेकिन निंजा यूएई याद रखिएगा भारतीय रेलवे तैनात करेगा, ये ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली है। मध्य प्रदेश, इसने राज्य के युवाओं हेतु सरकारी नौकरियां आरक्षित कर दी, अर्थात अब सरकारी नौकरियां केवल राज्य के युवाओं को मिलेंगी, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, आ सकता है एग्जाम में। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, बहुत बड़ी खबर है, कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था विस्तृत रूप से, तो इसके गठन की बात बजट 2020-21 में वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री ने की थी और अब केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका गठन सोसाइटी अधिनियम, सोसाइटी एक्ट के तहत किया जाएगा और ये साल भर में 1 या 2 परीक्षाएं कराएगी, जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। 3 वर्ष के लिए इसमें जो प्राप्तांक होंगे वो वैलिड होंगे। अभी इसमें 3 संस्थाएं, SSC, बैंक जो IBPS था और रेलवे RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये 3 संस्थाओं से संबंधित जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए होगा। धीरे धीरे 20 से अधिक संस्थाएं हैं ऐसी जो परीक्षा कराती हैं, जो केंद्रीय रोजगार संबंधी। आपको बता दूं कि ये इसमें गजेटेड पोस्ट शामिल नहीं है, केवल ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है। तो इनसे संबंधित जो परीक्षाएँ होती थी वो अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उनका होगा और इसका जो अंक जो आपका होगा 3 वर्ष तक वैलिड होगा। 3 वर्ष तक आप इसके अंक के आधार पर जो परीक्षाओं जिसके लिए आपको मांगा जाएगा, आवेदन जिसके लिए मांगे जाएंगे, अगर आप वैलिड हैं, उतने अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो वो परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा है, काफ़ी मौके मिलेंगे। होता क्या था कि लोगों रेलवे में भी वही व्यक्ति पा जाता था नौकरी, वही व्यक्ति SSC में पा जाता था, वही बैंक में पा जाता था, तो इससे क्या होता था, सीटें बेकार जाती थी। तो अभी मौके रहेंगे, एक ही परीक्षा को देख करके आपको बहुत ज़्यादा अवसर मिल जाए अगर कंपेयरली आप देखें अन्य चीज़ों को। तो एक बड़ा कदम है, क्रांति है, अब देखते हैं कितना सफल होता है, किस तरह से क्रियान्वित होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPSC की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UPPCS या UP SSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, Rajasthan PSC, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC, UPSSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पर आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो जैसे आप UPPSC UPSSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है, कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यह होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो
या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं, क्विज टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।